हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ निफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज ऑप्शन ए बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन बी डिसेंडिंग लिंब ऑफ हिलेस लूप, ऑप्शन सी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ऑप्शन डी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एंड टू नो दिस वी नीड टू नो द की कंसेप्ट. ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम कंसेप्ट को फर्स्ट फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ऑफ निफ्रॉन पूछा गया. उसके बाद तो हमें पार्ट ऑफ निफ्रॉन के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए. एंड नंबर टू, कहाँ पे परमिएबिलिटी किसके लिए है, रीअब्सॉर्प्शन कौन से पार्ट में होगा, वो भी हम जाने. तो ये मोटा मोटा हम एक निफ्रॉन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे सपोज दिस इज अ निफ्रॉन. फर्स्ट पार्ट इज बोमेंस कैप्सूल, ये जो है ग्लोमेरुलस. इसके बाद हम ड्रॉ जो करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद ये लूप ऑफ हिनले का दो लिंब है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप. दिस इज द यू नो स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. ये है डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, ओके लूप ऑफ हिनले, और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, एंड दैट इज पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आइए एब्जॉर्प्शन के रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, तो पार्मियबिलिटी देखिए, ये जो डिस्टल सॉरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड का एक्टिव, तो इस पोर्शन से Na+ Cl- H2O का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब पीसीटी से बाहर जाते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन. उसके बाद डीसीटी के बारे में हम बात करें, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात करें, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो इनिशियल का होता है रीएब्जॉर्प्शन, बट ज़्यादा नहीं. ठीक है, इनिशियल का. और क्या होता है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले है दिस इज परमेबल ओनली फॉर वाटर, यहाँ पे कोई मिनरल का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है. और जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हिनले है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत Cl- Na+ ये मिनरल्स का रीअब्सॉर्प्शन होता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द पार्ट ऑफ निफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल कहीं पे नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन, ओके नॉट रीअब्सॉर्प्शन. तो बोमेंस कैप्सूल हमारा पक्का आंसर नहीं है. नाउ डिसेंडिंग लिंब ऑफ हिनलेस लूप इन्वॉल्व इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन, बट सोडियम के बारे में बताया गया तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सम सोडियम, देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ कुछ सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितना पीसीटी में हो रहा है. तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि पीसीटी यहाँ पे ऑप्शन में है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यस इट विल बी द आंसर, क्योंकि यू नो 60 to 70%, 60 to 70% ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स हियर, ओके क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है. इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. एंड आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.